सारे रिश्ते इरादे बरसात आके हम बंदे गाइस, ये देखिए हमारी दीदी है जो मतलब सुबह से हम इनको बोल रहे हैं कि चेहरे पर थोड़ा पोछा मार लीजिए, लेकिन अब तक नहीं तो हेलो गाइस, आज हम घूम कर ही शूट करने वाले हैं क्योंकि आसू सर से कोई स्पेशल मेहमान मिलने आए हैं जो आसू सर के बहुत बड़े फैन हैं, और सर आज हम फ्री थे सब पूरी टीम, तो चलिए दिखाते हैं। चलिए शूट जो है हम छत करने वाले, आसपास में फिलहाल तो कोई ऐसी जगह नहीं है क्योंकि थोड़ा जल्दी है, सर को भी हमको भी शूट पर निकलना है, अचानक से मेहमान आ गए तो, लेकिन सर ने मना नहीं किया। तो चलिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी बिल्डिंग की छत पर, ये हमारे सर और ये हमारे मेहमान हैं, इनसे मिलिए। तो गाइस अब हम फिलहाल थोड़ा सा शूट करने वाले हैं, फिर उसके बाद देखते रहिए वीडियो में। और हम तो इनको अपने घर पे भी बुला रहे थे बट इनके पास टाइम नहीं था तो नहीं जा पाए। बस मिला है कुदरत वाले ने ऐसा मौका दिया कि मिल गए आ गए। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, थोड़ा सीरियस से सुनना क्योंकि इतना सपोर्ट करो इनके चैनल को, क्योंकि इनकी एक आशा है और पति भी अगर जिनका सुनते होंगे तो बहुत अच्छे हैं, आपकी भाई साहब ये बहुत तारीफ करते हैं, तो अपना खुश रहे, आपके जोड़े को किसी की नजर न लगे। तो आइए कुछ गाना हो जाए, हमारी खुशी बहन जो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी सिंगर है, तो थोड़ा खुशी जी एक बार बताइए कि इनसे किसानी से मिलकर कैसा लगा। दोस्तों वैसे तो बहुत ही मजा आया है, मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा, और जैसे भाई ने बोला है बहन को सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, बहुत मतलब प्यार देना है जैसे आप लोग हमें प्यार देते हो, सपोर्ट बनाए रखना है और मैम के चैनल को आगे बढ़ाना है। एक बार गाना हो जाए थोड़ा सा। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगी, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगी, तुझको संभालू ये मेरा जिम्मा, मैं हूँ तो क्या गम जाने तमन्ना, अब जीना मरना मेरा, जानम तेरे हाथ है। बहुत अच्छा। मैंने कहा ना सनम, अब तू मेरे साथ है। भाई गजब, देखिए हमारी खुशी बहन कितना मीठा गाती है, सुरीला गाती है, क्योंकि दिल पे अटैक करती है। और कल क्या हुआ, जब मैंने कॉल किया तो इन्होंने कहा कि आसू जी आना, मम्मी भी, पापा भी, भैया भी, तो भैया मेरे तो वो ऋषि कपूर का जो गाना वो ही याद आया। हो सारे रिश्ते इरादे बरसात आके, वो सारे रिश्ते इरादे बरसात आके धो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो मैंने देर नहीं करी दोस्तों, देर हो जाती है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, गाने से पहले गाया जैसा कैसा गाया गा दिया, परिवार बहुत अच्छा है क्योंकि हम बहुत लोगों से मिलते हैं, मम्मी पापा इनके जॉब करते हैं और अच्छा बहुत, भाई भी बहुत अच्छा है और इनकी आदत का तो कोई जवाब ही नहीं है। दोस्तों देखिए, जो आदमी दिखता है अपने पहनावे से कुछ भी वो ऐसा नहीं होता, लेकिन इनका दिल बहुत अच्छा है। हम 5-4 दिन से जैसे बात कर रहे हैं तो परिवार से सबसे मिल के, बस अगर जो आप मुझसे प्यार करते हैं और चाहते हैं हमारी टीम को, तो दिशानी जी को जरूर सपोर्ट करें। एक बार चैनल का नाम दिशानी जी अपने मुँह से बोल लीजिए। दिशानी दीपक पाल नाम है हमारे चैनल का। दिशानी दीपक पाल, अरे भाई साहब दिशानी दीपक पाल, अरे इनका चैनल का नाम है दिशानी। हंसते रहो मुस्कुराते रहो दोस्तों, रखा है क्या। आइए कितनी देर की बनी वीडियो, एक बार वो अमिताभ बच्चन सर के बाद में बात करिए ना। और देखिए भाई साहब, भाई हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि जो मिलाता है परमात्मा लोगों को मिलाता है, और जो इनका परिवार है भाई साहब, हमने कल रिकॉर्डिंग भेजी तो पूरा परिवार इनका खुश हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो आइए अमिताभ बच्चन का एक गाना भी गाते हुए चलते हैं भाई साहब। भाई हाँ
बच्चा ने कौन सा गाना गाओ बताओ जल्दी। हम बंदे हम बंदे के हम बंदे प्यार के काम दिखा रहा हूँ। हर मांगे सब की खैर अगर जो थोड़ी सी पील हो ना एक पौवा ले लो। हम बंदे वही फीलिंग निकलेगी। तो भाई बहुत अच्छा लगा। देखिए हम ये पहली शख्स हैं दिसानी जी हमारी जिंदगी में जिन्हें हमने बुलाया और इंटरव्यू देने के लिए खुश हुए। केवल किस लिए? क्योंकि अच्छे घर से है, अच्छे परिवार से है और आदत अच्छी है, सोच अच्छी है। और उस चैनल पे जाके देखो ये देखने में जैसी लग रही है ना वो सीधी सादी, अगर जिनके ड्रेस और कपड़े देखे चला तो है मान जाओगे भाई। किसान में भी नहीं आएंगे कि ये वही लड़की है। मैं भी चौंक गया था कि यार बता यार कैसी फेरे लवली बना दी गवर्नमेंट ने जो रंग ही बदल दे बिल्कुल। तो दोस्तों हमारी इतनी वीडियो स्वीकार करें, मौका अगर जो दिशानी से जिंदगी में मिला तो क्यों शादी भी तो बहुत दूर हुई है ना, पता नहीं कब के कब मिलेंगे। ग्वालियर बताओ अगर जब मिलेंगे अचानक कहीं तो पता है कौन सा गाना होगा? कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। और जो बजाओ तो बच्चे लगे बहुत अच्छे। आओ दोस्तों इस वीडियो को शिकार करें और देखिए जो मजाक हंसी मजाक जो कुछ मस्करी हुई है ये तो हमारे खून में है। और इनके चैनल पे जाइए और देखिए और बस वो जो लाल सा आता है ना निशान उसे काला कर दीजिए ताकि इस लड़के की इस बच्चे की ख्वाहिश जो है वो मरे नहीं जिंदा हो जाए। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल का नाम भी बता दो अगर जो हम लोगों को देखना, हमारे चैनल का नाम है सिराज आशू बच्चन जिसमें हमारे आज 7 लाख के करीब फॉलोवर हैं आप लोगों की दुआ से। तो जाइए उसे भी देखिए लेकिन हमारे से पहले दबा के इसको सपोर्ट करो। आओ चलो अब जो ठंडा मंडा पीते हैं बिस्कुट है पाल लीजिएगा विटानिया का। एक करण अर्जुन करण अर्जुन का देखिए जो गुलशेर भाई है ये करण अर्जुन का एक गाना है दोनों का तो थोड़ी सी इसकी झलक सुनाता हूं उसी से भी उसी तुम्हें। हो आगे कॉपीराइट है दोस्तों आगे कॉपीराइट है कभी सारी वीडियो का नाश हो जाए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। इंतजार देखिए क्योंकि जिंदगी मौका मिला तो दोबारा मिलेंगे। अब भाई साहब हम चलते हैं। चलिए गाइस शूट हो चुका है पूरा, अब हम नीचे मेहमानों को नाश्ता कराते हैं। तब तक की वीडियो में बने रहिए। दिशानी मैम जो है फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ में ही नाश्ता किया है। अब फिलहाल इनको जाना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी है। मम्मी वेट कर रही है। मम्मी वेट कर रही है दिशानी जी की। तो सर किधर है? सर जा तुम छोड़ जाओ। अरे मैं चली जाऊंगी। अब दिशानी जी को हम बाहर ड्रॉप करने वाले हैं, ये मेहमान है हमारे तो गेट तक छोड़ के आने का फर्ज तो बनता ही है। ऐसे तो हम चले जाएंगे पास ही में है थोड़े दूर में।